कश्मीर की बात, देखिए कश्मीर वैली में बीजेपी का कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार वो शून्य थे, इस बार भी वो शून्य से खाता खुल जाएगा तो बड़ी बात होगी, उम्मीद बहुत कम है। दूसरी बात जम्मू की, जम्मू में देखिए राहुल गांधी ने भी ताकत लगाई है और अब प्रियंका गांधी वहां पहुंची हैं। लड़ाई जम्मू में है और बीजेपी का सहारा जो है वो तमाम बी टीम है, जिसकी चर्चा हम लोग कई बार यहाँ कर चुके हैं। तो जम्मू में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो समझौता है वो ग्राउंड पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत से ऐसे फीडबैक मिल रहे हैं। तो जम्मू में पिछली बार की जो बीजेपी की टैली थी उससे काफी जो है इस बार लगता है कि चुनौती है और वो कम हो जाती है, और जब वो कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता में आने का या वहां से दूर दूर तक रहने का भी सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरा मसला हरियाणा का है। देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह हम देखेंगे, अभी हम लोग ये इसका विश्लेषण कर रहे हैं, 8 अक्टूबर के बाद इसकी चर्चा पूरा देश करेगा कि जी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है अब चुनाव जितवाने वाली नहीं रही। नरेंद्र मोदी अब चुनाव जितवाने वाला चेहरा नहीं रहे, इस बात पे 8 अक्टूबर को मोहर लग जाएगी, हरियाणा के चुनाव के बाद और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद। और इसमें जो ये बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, इसको आप साइकोलॉजिकल अटैक भी मान सकते हैं, कि ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है। तो इस ब्रांड मोदी की परीक्षा हरियाणा में है और तमाम विश्लेषक कोई 50 कह रहा है कांग्रेस को, कोई 55 कह रहा है, मैं सीटों के संख्या में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये चुनाव हरियाणा का चुनाव राजीव जी ये तय हो चुका है। अब इसमें कोई बहुत कि शैलजा प्रचार में नहीं गई तो अब राहुल गांधी बाद में क्यों आए, ये केवल टीवी चैनलों के डिस्कशन के विषय हैं, जो जमीनी हकीकत है वो बहुत अलग है जो दिखाई दे रही है वहां पे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी, हरियाणा में इस वक्त जो बहुत बड़ा मुद्दा है बड़ा हुआ है, जिसका घर घर में लोग शिकार है, वो है डंकी। और उसका जो ये जो इमिग्रेशन वाला मामला है कि नौकरियां ढूंढने लोग अमेरिका या दूसरे देशों में जा रहे, जमीनें बेच कर जा रहे और कैसे रह रहे हैं, क्या उनके साथ धोखे होते हैं वहां पे, वो सब लुट पिट के वापस भी आते हैं, इस पे राहुल गांधी ने बहुत जिसको कहें कि गहरी चोट जो है वो कर दी है, और बगैर प्रचार में जाए हुए, मतलब वो परिवारों से मिले, वो अमेरिका में इस पूरे इस गोरखधंधे के भुक्तभोगी से मिले, और इसने हरियाणा पे बहुत इम्पैक्ट जो है वो डाल दिया है। हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, बहुत कुछ कर सकते थे वो, और हरियाणा में उनकी 2-10 साल से सरकार है, दोनों जगह 10 साल सरकार, उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात की देखिए पैडी की फसल, जो धान की फसल है वो कटी हुई है और समर्थन मूल्य से बहुत नीचे बाजार में धान की कीमत चल रही है। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया है कि जैसे चुनाव की तारीखें बढ़ाई थी, धान की एमएसपी खरीद की भी तारीख बढ़ा दी है, चुनाव के बाद कर दी है। तो तब तक जो है किसान, अगर जिसको बहुत पैसे की जरूरत है, वो कम कीमत में बाजार में बेचने को राजी हो जाएगा। अब इस पर जब अडानी अंबानी का मामला राहुल गांधी उठाते हैं तो लोगों को नीचे तक छूता है, और ये एक भ्रामक प्रचार है कि केवल कि जाट प्रभावित हैं, जाट ही किसान नहीं है वहां, वहां तो किसान सैनी भी है, वहां किसान मुसलमान भी है, वहां किसान तमाम और दूसरी जातियां भी हैं, दूसरे सामाजिक समूह भी हैं, वो भी किसान हैं, तो वो सब प्रभावित हैं अगर एमएसपी कानून नहीं बन रहा है तो किसानों का बड़ा मुद्दा है।
अग्निवीर बड़ा मुद्दा है और इन सब मुद्दों पर बीजेपी जो है वो बहुत पीछे है। तो इसलिए अब अगर 8 तारीख को हम देखेंगे कि इस पे मुहर लगती है कि नरेंद्र मोदी अब चुनाव जितवाने वाला चेहरा नहीं बचे। देखिए जो बात मैं कह रहा था मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि 8 तारीख को केवल हरियाणा का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मोदी जी का भी रिजल्ट है और इसी का आगे एक्सटेंशन होगा महाराष्ट्र में, इसी का एक्सटेंशन होगा झारखंड में। 8 तारीख को इस देश की राजनीति राजनीति बदलने जा रही है और उसकी शुरुआत अभी से हो गई है। हरियाणा का चुनाव बीजेपी अगर नहीं जीतती है, जो कि लग रहा है कि बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन उसके बाद आरएसएस इस गुजराती कंपनी पे जो है पूरी तरीके से हावी हो जाएगी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का नाम सुझाया जिसको मना कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। अब दूसरा एक और नाम आया जो संजय जोशी से भी मुश्किल नाम है, वो वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है। और 8 तारीख को अगर ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता है तो हम लोग ये मान के चलें कि अगला अध्यक्ष आरएसएस ही बनाएगी बीजेपी का और उसके बाद से स्थिति बदल जाएगी पूरी। तो इसलिए बहुत क्रूशियल है हरियाणा का। और जैसा मैं कह चुका हूं कि मोदी अब वोट दिलाने वाले चुनाव जिताने वाले नेता नहीं बचे, ये अभी तक हम विश्लेषकों के बीच में बात चल रही है, लेकिन ये जनता के बीच में भी ये बात 8 तारीख को आ जाएगी, इस पर मोहर लग जाएगी, इसकी नई ब्रांडिंग हो जाएगी मोदी जी की कि अब ये चुनाव नहीं जितवा सकते। और आप देखिए कि उन्होंने बहुत ही गलत एक बीजेपी के लिहाज से गलत मेरे हिसाब से, क्या हमारे आपका क्या जाता है इसमें, कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जम्मू में उतार दिया। बीजेपी की स्थिति वहां भी खराब है, ये गलत परसेप्शन है। आप भी जानते हैं कि 370 का असर जो है वो जम्मू में भी है, ये गलत रिपोर्टिंग है, गलत तरीके का परसेप्शन है कि केवल वैली में है, वहां भी उतना ही असर है। और मैं पहले भी परसों की अपनी बातचीत में हमने कहा था कि वो ट्रायंगल जो है बद्रीनाथ की सीट, अयोध्या की सीट, फैजाबाद अयोध्या की सीट और माता वैष्णो देवी की सीट, वो भी फंसी हुई है। ये पूरा सर्किल पूरा होगा, आप देखिएगा कि ये स्थिति जो है तब बड़ी मुश्किल होगी योगी आदित्यनाथ के लिए भी और मोदी जी के लिए भी। अब हरियाणा में देखिए हो क्या रहा है, बहुत सारे फैक्टर जिनकी चर्चा मीडिया में होती रहती है कि दलित वोट कहाँ जाएगा, शैलजा जी क्या करेंगी, आम आदमी पार्टी कितना वोट काट लेगी, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा। वहाँ का चुनाव तो बहुत जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कि जनता चुनाव लड़ती है, वो जनता चुनाव अपना लड़ रही है, दलित समाज में शपथ ली जा रही है। अब जब ये होने लग जाए कि शपथ लेने लगे कोई समाज, उसके वीडियो वायरल हैं वहां पे, जो राहुल गांधी ने डंकी का मामला उठाया वो घर घर जा चुका है, वो उसका हर परिवार प्रभावित है, वो उससे वो संदेश चला गया। गर्ग साहब जो कह रहे हैं वो बात बहुत वाजिब है कि कांग्रेस की अपनी प्रचार की रणनीति में होना चाहिए, लेकिन वो वीडियो काफी जा चुका है ऑलरेडी। दूसरा एक और चीज हो रही है वहां पे, किसान ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसानों की ट्रेनिंग चल रही है, और ये ट्रेनिंग देने वाले कौन है किसान, जिन किसानों को जेलों में डाला गया था, वो गांव गांव घूम रहे हैं और वो उनकी ट्रेनिंग का प्रभाव ये है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनसे वो दो सवाल तो जरूर पूछ रहे हैं, MSP वगैरह तो बहुत बात की बात है,
वो पूछ रहे हैं कि किसानों पे गोली क्यों चलाई, किसानों का रास्ता क्यों रोका। तो हरियाणा का चुनाव बहुत डिफरेंट हो चुका है, वो बीजेपी के हाथ के बाहर की बात है। अब उसमें कोई कोर्स करेक्शन, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट, कोई एसओएस स्ट्रेटजी अभी काम नहीं करने वाली, वो ऑलरेडी सेटल्ड है। उसमें केवल अब सीटों का अंतर और ये सब हो सकता है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का भी बात है, देखिए आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल वहाँ में चुनाव के प्रचार जरूर कर रहे हैं, और इतनी सीटों पे वो कैसे खड़े हो गए ये हम सब जानते हैं कि जब वो फैसला होना था तब अरविंद केजरीवाल को मिलने नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं से जेल में। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो फैसला हुआ, लेकिन उसका असर हरियाणा में नहीं होने जा रहा। तो जो बात है कि 8 अक्टूबर को क्या हम एक नई देश में राजनीति देखने जा रहे हैं, हम हरियाणा के चुनाव से उस दिशा में चीजें बढ़ गई हैं। और इसमें आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो बहुत से खामोश लोग हैं, अब वो उस पे जो है वो हावी होना शुरू हो जाएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर। जी राजीव जी, बिल्कुल। धनंजय जी, क्या आपसे ये आरएसएस वाली बात ज़रूर समझना चाहूँगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं, आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है, और 8 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ जो होने जा रही हैं उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी। ज़रा आपसे भी समझूँ कि क्या कुछ चल रहा है उधर, अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो, क्योंकि